करवट नींद आए, करवट करवट नींद आए।
तेरे बिना जिया ना लगे, आजा रे आजा रे, तेरे बिना जिया ना लगे, आजा रे आजा रे, तेरे बिना जिया ना लगे, आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। कौन है? आइए आइए, आधी की कमी रह गई थी। ढोंगी कहीं के, लो देख लो खड़ा हूँ। अरे मेरी हवेली में कोई भूत भात नहीं है, मेरे लिए तो तुम लोग सब भूत हो। तारा तुम यहाँ कब से? बाबूजी एकाएक की बत्तियां बुझ गई, अंधेरे में मेरा दिल घबराया तो मैं यहाँ आके बैठ गई और यहाँ आकर गाना शुरू कर दिया। तारा तुम्हारी आवाज बहुत रसीली है। क्या कहते हैं बाबूजी, मैं तो आपसे लड़ने आई थी लेकिन आपने बात ही दूसरी छेड़ दी। मुझसे क्यों, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ये तस्वीरें देखो बाबूजी, क्या आपको अच्छा लगता है कि किसी कुंवारी लड़की की छुप छुप के ऐसी तस्वीरें ली जाए? देखो बाबूजी, मैं जानती हूँ कि आप अच्छे आदमी हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन आपकी हरकतें मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। अगर आप शरीफ आदमी हैं तो ये सारी तस्वीरें फाड़ दीजिए, मैं चली रसोई में, अगर मुझे यहाँ किसी ने देख लिया तो कुछ का कुछ समझ बैठेगा। कुमार बाबू, इस हवेली में रात को ये आवाजें कैसी आती हैं? इसी बात की खोज में तो मैं भी लगा हूँ और शहर की पुलिस भी। इतना डरती हो तुम? कितनी भयानक आवाज है कुमार बाबू, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दादा परदादा के जमाने में इस हवेली में किसी का कत्ल हुआ हो और उसी की आत्मा भटकती हो? जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारे पुरखों की हवेली है, हम सब इसी में पलकर बड़े हुए हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है पिछले 2 साल की कहानी है। तो फिर ये मुमकिन है कि इस हवेली के आसपास जो गुंडे रहते हैं शायद उन्हीं की शरारत हो? ये बात कुछ समझ में आई। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, कल छुपकर उन गुंडों के इलाके में जाती हूँ, अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप भी आ जाइएगा ना। जी इसमें तकलीफ किस बात की? मेरा मतलब है कि ये तो मेरा फर्ज है, हो सकता है इस तरह किसी बात का पता चल जाए। गुड नाइट। थैंक यू। यू आर वेलकम। बाबूजी, हे बाबूजी, ये किसके सपने देखे जा रहे हैं? सपने दिन को नहीं रात को देखे जाते हैं। मैं तो दिन को भी देखती हूँ। तो बड़ी खुशी से देखो, लेकिन खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ ना। कोई बैठने को कहे तब ना। अपनी मर्जी से आई हो ना, मैंने तुम्हें कोई इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा था। कार्ड तो उसको भेजा जाता है जो दूर हो, मैं तो इसी घर में आपके पास हूँ। मैं पोस्ट कार्ड की बात नहीं कर रहा, मैं तो इनविटेशन कार्ड की बात कर रहा हूँ, यानी कि निमंत्रण पत्र। बाबूजी, आपको एक अनपढ़ देहाती लड़की के सामने ये अंग्रेजी जानने की आदत क्यों है? जरा पढ़ हटिए, मैं भी बैठती हूँ। अच्छा ये बताइए कि आप अकेले एक ही जगह इतनी देर तक कैसे बैठ सकते हैं? आपका दिल नहीं घबराता? मैं तो रसोई में 10-15 पल भी बैठती हूँ तो मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है। अच्छा। हाँ सब्जी काटती हूँ तो आपका ध्यान आ जाता है। अच्छा। हाँ दाल में नमक डालती हूँ तो आपका ख्याल आ जाता है। अच्छा। हाँ और जब रोटी पकाती हूँ तो आप सामने आके खड़े हो जाते हैं। अच्छा। हाँ बाबूजी, ऐसा क्यों होता है, हम तो नए नए मिले हैं ना। देखो तारा,
तुम मुझे ये बाबूजी कहना छोड़ दो। तुम मुझे बाबूजी बुलाती हो ना तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं किसी डाकखाने में क्लर्क हूँ। अच्छा ये बताओ तुम्हें मेरे नाम का पता है? पता तो नहीं लेकिन होगा कुछ राम कुमार, श्याम कुमार, दिलीप कुमार। देखो ना मैं राम हूँ ना मैं श्याम हूँ और ना ही मैं दिलीप हूँ, लेकिन कुमार जरूर हूँ। अच्छा तो आपका नाम कुमार है? सिर्फ कुमार नहीं, राजन कुमार। घर वाले मुझे प्यार से राजू कहते हैं। हाँ लेकिन तुम चाहो तो राजन कह सकती हो। अच्छा तो राजा साहब आपको किसी रानी की जरूरत नहीं है? रानी की जरूरत तो नहीं, बल्कि एक ऐसी मेहतरानी की जरूरत है जो मेरे क्वारपन की कोठरी में झाड़ू लगाकर उसका गर्दोगुबार साफ करके मुझे अपना बना ले। झाड़ू लगाए तो मुझे भी बहुत अच्छी तरह से आता है, जाइए मैं आपका हाथ साफ करूँ। तुमसे मेरा हाथ ज्यादा साफ है, लव पहले मैं तुम्हारा हाथ साफ करूँ। हाय मेरी अंगूठी। मेरी अंगूठी इसका मतलब जानते हैं आप? तुम समझा दो। जब कोई लड़का लड़की अंगूठी बदल लेते हैं उसका मतलब होता है उनकी मंगनी हो गई। अच्छा अब क्या होगा? अब क्या होगा? हाँ अब क्या होगा? अब क्या होगा? एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, मोस्ट रोमांटिक। ऐसा पोज तो आजकल की फिल्मों में भी देखने को नहीं मिलता। राजन अगर मैं ये फोटो प्रिंट कराकर किसी फिल्म कंपनी को भेज दूं तो तुम दोनों को हीरो हीरोइन का चांस मिल जाए, क्या ख्याल है तुम्हारा? बलवंत किसी की प्राइवेट तस्वीर छपवाने से हथकड़ी भी लग सकती है, तुम हर किसी को अपने जैसा मत समझो। मैं तारा से शादी करूंगा। शादी? और इससे राजन ये तो कॉमन प्रॉपर्टी का फूल है, जैसे मान लो आज तुम सूंघ रहे हो तो मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए और अगर कल मैं सूंघूं तो तुम्हें नाक दूसरी तरफ कर ले। बलवंत मेरा नाम भी राजन है, अपने खून के एक एक कतरे का तुमसे हिसाब लेकर छोड़ूंगा। अरे जा जा तू क्या हिसाब किताब लेगा, स्कूल मास्टर मर गया इसी तमन्ना में कि मैं कुछ हिसाब किताब सीखूं। लेकिन मैं तुझे वहां मारूंगा जहां पानी भी नसीब न हो। पानी पीने की आदत तो हमने बचपन से ही छोड़ दी थी। चल थूक दिया गुस्सा, ला मिला हाथ। अरे मिला ना यार हाथ पर। परे अरे मेरी तरफ देख यार, दिल पर कितना बड़ा घाव खाए बैठा हूँ लेकिन मैंने मुंह से चू तक भी नहीं की। देख राजन इन प्यारी प्यारी सूरतों से ये प्यारे प्यारे खेल तो मैं बचपन से ही खेलता चला आया हूँ, लेकिन देख आज तक किसी के लिए अपने दिल में मैल नहीं रखा। दिल होता ऐसा हो विस्की पिए। अरे हाँ तू तो विस्की पीता ही नहीं इसीलिए कमजोर है। चल, चल।